नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनमें कि बिहार स्टैटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, यानी कि सभी चैप्टर का क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिए, आप देख लीजिए कि आप इन 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, इनका प्रतीक कौन है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, ऋषभनाथ, और इनका प्रतीक क्या था। बैल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर दो, बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है? सीतामढ़ी, सीतामा की जन्मभूमि वाला जिला सीतामढ़ी, जो कि नेपाल से सटा हुआ है, यहीं पे बागमती परियोजना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चार, रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली शुरू की थी? दोहरा प्रशासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर पांच, 1857 के विद्रोह के आधार पर पुस्तक द लास्ट मुगल किसने लिखा है? द लास्ट मुगल पुस्तक 1857 के विद्रोह के आधार पर लिखी गई है, द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेल रिम्पल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इनमें से निम्नलिखित युद्ध मतलब युद्ध कला है, निम्नलिखित युद्ध कला रूपों में से कौन सी केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि केरल राज्य का कौन सा युद्ध कला है, इनमें से आपको बताना है। तो ये होगा आपका कलारी पायट्टू, कलारी पायट्टू युद्ध कला जो है ये आपका केरल से संबंधित है, और मर्दानी खेल कहां से है, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत माता, आप लोग देखते होंगे अक्सर भारत माता का चित्र कला जो है मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत माता की चित्रकला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं करना है, इन्हीं से संबंधित एक नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की चित्रकला मूल रूप से तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के वास्तुकार थे? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है, इसके वास्तुकार कौन थे? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है, नई दिल्ली में है, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 10, पुनपुन बैराज योजना बिहार के किस जिले में है? पुनपुन बैराज योजना सही कर लिए ना, हमको लगता है कि सब सही कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर किए होंगे तो यहाँ पे हम चार ऑप्शन के बदले पांच ऑप्शन दे दिए हैं, ए बी सी डी ई, इसलिए दिया कि पुनपुन बैराज बिहार के मात्र चार जिले में है, वो है औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद,
यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई आप नोट कर सकते हैं। चार जिला है, औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद, और ये सभी के सभी जिला एक दूसरे से सटा हुआ है, तो पुनपुन बैराज जो है यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 11, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक बिहार के चौसा युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लियर ये हो गया कि चौसा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ये वही शेरशाह सूरी है जिसका मुख्यालय है, क्या बोलते हैं, अरे बाबा, अरे कौन लोग भूल गए ना, शेरशाह सूरी का मकबरा नहीं है सासाराम में, यही भूल जाते हैं हम। चौसा युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? 1539 में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, पंत अभ्यारण बिहार के किस जिले में है? अभ्यारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के नालंदा में है, ऑप्शन नंबर ए। और एक और है भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में, कहाँ है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में इनमें से कौन सी चट्टान पाई जाती है? बिहार में कौन सी चट्टाने पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 के बदले 5 ऑप्शन मिला है। वैसे एग्जाम में 5 ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये हम आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए सभी दे दिया हूँ कि बिहार में जो है धारवाड़ चट्टान, विध्यन चट्टान, टर्सियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान है, यानी कि उपयुक्त सभी, ई नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आम्रपाली, ये वाला आम्रपाली नहीं है जो आजकल आप लोग वो गाना भोजपुरी गंदा गंदा जो सुनते हैं, आम्रपाली कौन थी, इतिहास का है, बिहार का ही। आम्रपाली जो है एक नर्तकी थी, ऑप्शन नंबर ए। और ये आम्रपाली कहाँ की नर्तकी थी, वैशाली जिला की। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा, बिहार में जो एक विभाग है बिहार राज्य भाषा विभाग, इसके द्वारा कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है आपका उपेंद्र महारथी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रदान करता है? अंतरराज्य परिषद की स्थापना संविधान का अनुच्छेद 263 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना बिहार के किस जिला में है? बटेश्वर नाथ पंप योजना, नहर परियोजना जो है ये आपका भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। भागलपुर को क्या कहते हैं, सिल्क सिटी, और मुंगेर को क्या कहते हैं, योग नगरी। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा और हृदय कहा है? आत्मा और हृदय संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा गया है, किसने कहा है? बाबा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना 1992 में हुई। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। कहाँ? मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? एनडीआरएफ, जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है, मतलब अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इंग्लिश में एनडीआरएफ कहते हैं, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और ये एक एक्ट भी लाया गया था वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन से दो जल निकाय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन दो सागर के बीच है? तो यहां पे होगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। क्वेश्चन नंबर 25, करनाल युद्ध फारस के अफसारी वंश के संस्थापक नादिर शाह और मुगल वंश के मुहम्मद शाह के बीच कब हुई थी? यहां पे क्लियर ये हो गया, करनाल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था करनाल युद्ध? इसको तो काट दो, पहले बता चुका हूं चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें 200 प्लस कर दो चौसा के युद्ध में, तो हो गया 1739। 1739 में करनाल युद्ध हुआ था नादिर शाह और मुहम्मद शाह के बीच में। और यहाँ पे आधा रास्ता जो है हम लोग सफर कर चुके हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले हम 50-50 क्वेश्चंस का दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक ना। और आप लोग ये बताइएगा कि डिटेल्स वाला वीडियो आपको नहीं देखना है, वो देखते हैं तो उस पर व्यूज उतना नहीं आता है, तो सोचते जैसा आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 26 नंबर, नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? सही जवाब है हरिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वर्ष 1998 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। कहाँ? हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, जोड़ों में चिकनी टिकाऊ ऊतक होते हैं जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है? ये होगा आपका उपास्थि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, एनजीओ स्पर्म को किसके रूप में जाना जाता है? एनजीओ स्पर्म को किसके रूप में जाना जाता है? फूलों वाले पौधे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, अपर क्यूल जलाशय योजना किस जिले में है? अपर क्यूल जलाशय योजना किस जिले में है? लखीसराय, मुंगेर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही दोनों जिला में अपर क्यूल जलाशय योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न,
आप लोग अगर चुंबक कभी हाथ में लिए होंगे तो लकड़ी को सटा कर देखे होंगे तो नहीं चिपकता है उसमें, तो लकड़ी यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बाकी ये बात निकल, आयरन, कोबाल्ट ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से दो जल निकाय स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जुड़े हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन के बीच में है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। क्वेश्चन नंबर 33, पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली। क्वेश्चन नंबर 33, नबार्ड, नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी, नबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई? 1982 में 12 जुलाई थी। और पीछे मैंने आपको क्या बताया, 1982 में हो गया आपका नबार्ड, और 1992 में क्या बताया था अभी अभी, सेबी की स्थापना। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है? उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो मैं आपको कई बार ट्रिक भी बता चुका हूँ, तो ऐसा संभव हो जाता है, सही होता है ऐसा। आभासी और सीधा होगा, वस्तु के समान आकार का, पार्श्वतः अंधा, ये सभी आपका समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्वरूप होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, आपको पता है। 1539 में क्या हुआ, ये आपका चौसा आपको बता चुका हूँ। 1739 में करनाल, और ये 1526 पानीपत, और 1671 में एक असम में युद्ध हुआ था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, याद रखिएगा फिलहाल। अगला प्रश्न है कि आँख की पुतली किसके पीछे मौजूद होती है? आंख की पुतली श्वेत पटल के पीछे होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर, विज्ञान की किस शाखा के तहत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन को ओएस्टोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ओएस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, यानी कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, राजा अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में क्या शामिल है? एक प्रश्न ये क्लियर हो गया, शिलालेख 13 किससे संबंधित है? राजा अशोक से। और शिलालेख 13 में क्या है? शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध और हेलेनिक राजा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ब्लड जमने की प्रक्रिया में क्या मदद करता है? विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, आम के पीले रंग की उपस्थिति किसके कारण होता है? आम जो पक जाता है तब तो पीला दिखता है, तो ये पीला जो होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लीचिंग पाउडर किसके बीज प्रतिक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है? ब्लीचिंग पाउडर किसके बीज प्रतिक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है? बुझा हुआ चूना और क्लोरीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 44,
पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये तो होगा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हड्डी का अध्ययन, और पहाड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 45, पाचन को विनियमित करने के लिए क्या मदद करता है? पाचन होने की प्रक्रिया में क्या मदद करता है? रातिब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पास सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी? सबसे पहले सराय घाट की लड़ाई कहाँ हुई थी? असम के गुवाहाटी में किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कब हुई थी सराय घाटी की लड़ाई? छांट लीजिए जल्दी जल्दी, ये तो बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, तो बचा क्या, यही ना। तो 1539 में चौसा, 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध, 1739 में करनाल, और सरायघाट की लड़ाई 1671, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है, ऑप्शन नंबर बी। मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस सोल का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? आवर्त सारणी किसने दी है? मेंडलीफ ने, और इसमें अंतिम तत्व कौन था? यूरेनियम था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल मिलाकर कितने तत्व थे? 63, यानी कि 63। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिया? 1869 में, और इसमें अंतिम तत्व कौन था? यूरेनियम। और दुनिया का सबसे महंगा तत्व कौन है? यही है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के अध्ययन यानी कि पृथ्वी की विशेषताएं, संरचनाएं, सामग्री, ये सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी अभी पढ़ चुके हैं पहाड़ों के अध्ययन, ये हो गया ओरोलॉजी, ओस्टोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन, और जियोलॉजी में पृथ्वी के अध्ययन को किया जाता है। तो 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, एक प्रश्न आपके लिए है, बहुत आसान है। प्रश्न तो यहाँ पे आज नहीं लिखा गया है, वैसे आप ये बता दीजिए हमको, यहाँ पे अच्छी बातें आपके लिए लिखा है कि प्रतिदिन अभ्यास करो सफलता जरूर मिलेगी, ऑप्शन में है। तुम पास्ट को नहीं बदल सकते हो लेकिन भविष्य को बदल सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये बताइए कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, ठीक ना? ये आपको कमेंट करके बताना है बिना ऑप्शन के साथ। और आप लोग ये बताइएगा कि फुल डिटेल्स वाला वीडियो आप देखना पसंद क्यों नहीं करते हो, वो वाला वीडियो डालते हैं तो बहुत कम ही लोग देखते हैं उसको, और यही कम इसमें तो है, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग ज़्यादा देखते हैं, पता नहीं क्या झमेला है। तो जैसा आप लोगों को अच्छा लगे हम उसी तरह का वीडियो लाएंगे। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट, बता दीजिएगा वर्तमान में गवर्नर कौन है, और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, 50-50 का 2 सेट तैयार कर चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर चैनल पर जाकर के बिहार पुलिस जीके का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सभी वीडियो, ठीक ना? और स्क्रीन पे भी आपके सामने आ चुका है, देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। PDF आपको डाउनलोड करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर चल जाइए, वहाँ पे डेली स्टडी ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। थैंक यू।